मारो इसे, सॉरी बोल रहे हो तुम। चलिए बताइए, जब हम मायके चले जाते हैं तब आपको कितना काम करना पड़ता है? काम करना पड़ता है पर सुकून भी कितना होता है ये कोई नहीं पूछेगा। ये देखो ये ढेर सारे कपड़े हैं और उधर भी रखे हैं बहुत ज्यादा से। तो फिर हम मिलते हैं प्रेस करने के बाद, आप बने रहिए ब्लॉग में। तो प्रेस हो चुका है और सिवाय के पापा आ जाएं, उसके बाद उनके साथ जाते हैं मंडी। तो आपको वहाँ पर आज दिखाते हैं मंडी पहुँच के, बहुत घर मतलब घर के पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आराम से वहाँ पर पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चिल्लाओ खीरा 10 रुपए किलो। दस बार मंडी के परकम्मा लगा चुके हैं और अभी तक सब्जी नहीं लगी है। ये देखिए आप कहाँ गई है, वो खड़ी है, देखो। तो चलते हैं भैया, देखें क्या सीन है। तो अभी सब्जी लेकर आए हैं, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, बहुत महंगी महंगी है। और हमारे सवाय देखो सब्जी के साथ क्या कर रहे हैं, और ये देखो ये सब्जी के साथ खेल रहे हैं। भैया 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 ये बॉल समझ गए हो क्या, ये बॉल है। नहीं सवाय दे दो उसे, बेटा वो खराब हो जाएगी, दे दो छोड़ो। नहीं। आए। वो सारी सब्जी फेंक देगा, ले अच्छा फ्रूट्स भी फेंक देगा। सिवाय मैंगो शेक पिएगा क्या? हाँ क्यों भैया, सिवाय को मैंगो शेक पीना है? कितने प्यार से कह रहे और जब मैंगो काटो तो फिर कैसे खाता है सिवाय। अभी मंडी से आ गए हैं, सब्जी लेकर आए हैं। अभी रात में बनाना क्या है कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों से पूछो तो कुछ बताते हैं नहीं कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैंगो से पियोगे तुम? तो ठीक हो रहे हो, बस तुम जैसा जो कर। बस ये आए और मुंह लटका के बैठे। तो बताइए क्या खाएंगे आप? खाना तो ठीक है, तो ये प्रेस बेड में क्या कर रहा है ये बताओ। आज हमने ढेर सारे कपड़ों, इतने सारे कपड़ों में प्रेस किया था। तो प्रेस किया था तो प्रेस करने के बाद प्रेस बेड में छोड़ दो। हाँ ये सुना दिया प्रेस किया था पर प्रेस नहीं हटा पाए अभी तक। सुनाया नहीं है इसलिए हमने, पता है इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सिवाय के पापा बोलते थे हाँ दिखाने के लिए वीडियो बनाया है, इसीलिए हमने नहीं बनाया। तो बंदा अभी ऑफिस से आया, प्रेस नहीं, प्रेस गर्म था कि सिवाय जल ना जाए इसलिए हमने बेड पर रखा छोड़ दिया। उसके बाद आप आए ऑफिस से तो हम चले गए मंडी, हमें लेके तुरंत ही कपड़े भी नहीं चेंज कर पाए हम। तो इसमें गुस्से की बात नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए देख रहे हो गाइस लेके चले गए। शादी मत करना, अत्याचार हो रहा है। शादी के अत्याचार तो सब सुनाते हैं पर शादी के फायदे किसी ने सुनाए? हाँ बताओ शादी के फायदे। शादी के बहुत फायदे हैं, बता दो दो। चलिए बताइए, जब हम मायके चले जाते हैं तब आपको कितना काम करना पड़ता है? काम करना पड़ता है पर सुकून भी कितना होता है ये कोई नहीं पूछेगा। बात
यहाँ चल रही है, बात यहाँ चल रही है काम करने की, बात चल रही है सुकून की, बात चल रही है सुकून। अच्छा गाइस ये बताओ, सभी लोग बता दो, अच्छे से सोच के बताना कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, सुकून है या कोई और चीज? बंदा किस लिए सारे काम करता है? सुकून के लिए, अच्छी नींद आए, अच्छा सारा कुछ। बस हो गई बोलती बंद। अच्छा ये बताओ, हम मायके जाते हैं फिर आपको कितना सारा खाना बनाना पड़ता है? खाना हमने बनाना ही नहीं आता, बनाते कहाँ से है खाना? तो होटल में जाते हैं। हाँ तो कितना सुकून है होटल में जाते हैं, फिर वहाँ पैसे खर्च करते हैं, करते हो कि नहीं करते बताओ? तो पैसे तो खर्च यहाँ भी होते हैं, सामान आता है घर का, सारा कुछ किराना रहा। तो भाई साहब चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या चल रहा है। रूपाली कुछ फ्राई कर रही है, आइए दिखाते हैं आपको भी। हाँ रूपाली क्या हो रहा है? बस खाने की तैयारी हो रही है। अभी फ्राई चल रहे हैं, अभी टाइम लगेगा इनमें? नहीं टाइम नहीं लगना है, बस आलू की भुर्जी बना ले और मैंगो शेक के लिए ये मैंगो काट के रख रहे हैं, तो बस फिर देते हैं खाना आप लोगों को। बहुत लेट हो जाती हो तुम, आज बहुत ज़्यादा काम था इसलिए लेट हो गए। अच्छा तो तुम्हारी क्या कंप्लेन थी? तुम कह रही थी, हमें बता रही थी कंप्लेन है कुछ अपने व्यूअर से। हमें अपनी फैमिली से कंप्लेन थी कि हमने अपनी शॉपिंग वाला। हाँ जी अच्छा, हाँ मैंगो शेक पीना है हमारे सिवाय मैंगो शेक पिएगा? हमें अपने फैमिली वालों से थोड़ी सी कंप्लेन थी कि मतलब हमने शॉपिंग वाला ग्लव डाला था, आप लोगों ने उसको कोई कमेंट ही नहीं किया कि शॉपिंग अच्छी भी लगी कि बुरी लगी। अरे थोड़ी सा कमेंट कर दिया करो, हमें पता तो चले कि हम आप लोगों को पसंद आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हो इसलिए कमेंट नहीं आ रहा है। ये देखो बुम, और ये शिवाय आया झुम। एक चीज दिखाऊं गाइस, दिखाऊं सच्ची? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, सिवाय बर्तनों की टोकरी में यहाँ ऐसे बैठे होते हैं जब तक इनकी मम्मी वहाँ किचन में होती हैं। अरे सलाद कट गई है लगता, खाने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से है। ये देखो और ये देखिए, तू 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 क्या कर रहे हो? ये घोड़ा थोड़ी है। अच्छा देने के लिए। अरे ये चौथा किसका है? ये हमारे शिवाय का, शिवाय हमारे देखो इतने देर से वेट कर रहे हैं कि हमारी माँ बनाई क्या है। तो देखिए ये है मैंगो शेक, शिवाय के पापा को दे दिया, अब चलते हैं भैया को देने के लिए। आओ शिवाय चाचू को देने चले। तो चलिए चलकर पूछते हैं शिवाय के पापा से उन्हें कैसा लगा। कैसा लगा? बहुत ही मस्त। अब हमारे शिवाय कहाँ गए? अरे हमारा बेटू भी पिएगा, आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसा है भैया? अच्छा अच्छा है।
गिलास गिलास छुड़ा रहा देखो। ये है आपका, वो डैडी का है, ये आपका है। मारो इसे, सॉरी बोल रहे हो तुम? उसने सॉरी बोल दिया। अब आपको ये नीचे क्या किया है हुआ तुमने? नीचे गिरा दिया तो उसने सॉरी भी बोल दिया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।